भैया आप यहीं रहते हो? ओके, क्या नाम है आपका? राजू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्लॉग कैसे शूट होता है, सिनेमैटिक व्लॉग आप कैसे बना सकते हैं। सो, जैसा कि हम राज भाई के यूट्यूब चैनल के लिए, जिनका नाम है राज फोटो एडिटिंग है मच मोर, के लिए हम फोटो शूट करने जा रहे हैं। हाँ, वीडियोस भी बनाएंगे, फोटोज भी क्लिक करेंगे, तो अलग अलग कंटेंट बनाएंगे नया नया आपके लिए। तो इनके लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कंटेंट शूट किया जाए। हाँ। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने व्लॉगिंग करनी है और कैसे आप सिनेमैटिक व्लॉग बना सकते हैं। और आजी मुझे हेल्प करेंगे, मेरे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे। नॉर्मल व्लॉग तो बनाना बहुत ही आसान होता है, हम लोग कैमरा उठाया, हम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन उसमें सिनेमैटिक चीज ऐड करनी, वो भाई के हाथों में जैसे गिम्बल लगे हुए हैं, तो वो चीजें आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो भाई को देखो, मैं पूरा पैक वूक करके लेके आया हूं साथ में, भाई करेंगे हमारी हेल्प और देखते हैं कि भाई को कौन सी लोकेशन सूट करती है। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रेड लाइट के ऊपर हम खड़े हुए हैं, तो लोकेशन पर जी ठेठ जाएंगे। हम तो बैठे हैं गाड़ी खड़ी है, हम बैठे ही हैं हम बैठे हुए हैं। और यार मास्क डाल के तो कान दुखने लग जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि कैसे आपने बोलना है, कैसे कैमरा के सामने, जैसे कि हमें डर होता है ना कि कैमरा यार ऑन हो गया तो हम डर जाते हैं, यार मैं क्या बोलूँ क्या करूँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसा कि व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको पहला व्लॉग है चैनल के ऊपर, तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अब जैसा कि लाइट हमारे होने वाली है, आपको दिख रहा होगा आगे, नहीं अब दिख, अब दिखा होगा, बहुत दूर है, पर बहुत दूर है। तो 7-6 सो भाई ये वाली लोकेशन मिल जाए तो बेटर है ना। हाँ, सो चलो चलते हैं, अब गाड़ी होगी हमारी स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो यार पाजी बताएंगे, बिकॉज मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे ना। हाँ, तो यहाँ पर ये थिएटर है, बहुत ही पुराना सा, तो लुक अच्छी आएगी इसकी वीडियोस में, फोटोज में। हाँ, फोटोज और वीडियो में सही आएगी। हाँ। तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, बिल्कुल, और चलते हैं हम फिर अंदर। तो जैसा कि अभी हम जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा फ्रेश होने, आप समझ सकते क्यों जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे है, भाई कहाँ चले गए आप? ये रे भाई, ठीक है ना। तो अब जैसा कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, क्या होता है कि मार्केट में ना हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इशू होता है कि सबके सामने कैसे व्लॉग करें, कैसे बोलें। तो क्यों पाजी, डरना नहीं चाहिए ना, काम होता है, काम तो क्यों। हाँ, हाँ, उसी वजह से। तो यार आपने अपना मैं काम, मेरी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मैंने वो भी व्लॉग रिकॉर्ड करा। तो जैसा कि आपने करना है कि ना मतलब कि डरना नहीं है मार्केट में जाके, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी सारे बंदे हैं यहाँ पे, और मैं मतलब कि बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई डर नहीं है। भाई बाथरूम ढूंढ रहा है क्या? जेंट्स वाले च जाओ भाजी, लेडीज वाले च ना मड़ जी। आई है जेंट्स टॉयलेट, अंदर लेके करा। सो जैसा कि ये वाली लोकेशन हमने डिसाइड की है, और ये जा रहे हैं हमारे राज भाई। अब जैसा कि क्या होता है कि व्लॉग में ना आपने बोलना है मतलब कि नेचुरली बोलना है, सबसे पहला टिप कि आपने कैमरा में देख के बोलना है। अब लाइक की जैसा कि मोस्टली बंदे क्या गलती करते हैं कि स्क्रीन में देख के बात करते हैं, जैसा कि जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, जैसा कि मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ। सो लोकेशन अभी देख रहे हैं हम, एक सेकंड में आपको बताता हूँ मैं क्या कहने वाला था। क्या कह रहे भाजी तुसी? ओके ओके, सो यहाँ पे लोकेशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठंड लग रही है भाजी को, चाय चू पीते हैं थोड़ी सी, है ना। सो जैसा कि मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे आपने जब भी बात करनी है ना, तो कैमरा में देख के बात करनी है, यहाँ पे देख के बात करनी है, स्क्रीन में देख के बात नहीं करनी, वो गलती लगती है, ऐसा लगता है कि बंदा मतलब कि ना जबरदस्ती बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि कैमरा में देख के बात करनी है, स्क्रीन में देख के बात नहीं करनी है, मतलब कि आपकी नज़रें कैमरा की तरफ होनी चाहिए। ओके, सो हमारे राज भाई जा रहे हैं सामने। राज भाई लोकेशन, और यहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई है, दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे लोकेशन, ये देखिए आवाज़ बहुत गूंजेगी, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ हमारी गूंजेगी, पर आप सुन लेना। तो यहाँ पे कर सकते हैं भाई, देख बाहर भी कर सकते, अंदर भी कर सकते। हाँ
सो जैसा कि लोकेशन में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अगेन मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, स्क्रीन में देख के बात नहीं कर रहा, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। और सबसे पहले आपने यह करना है कि बिल्कुल फ्री स्टाइल होकर बोलना है, कोई टेंशन नहीं रखनी दिमाग में कि कौन देखेगा कौन क्या बोलेगा। जैसा कि मैं फ्री स्टाइल बात कर रहा हूँ और भाई यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट हो गए जैसा कि जो यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सिनेमैटिक शॉट्स को ऐड कर सकते हैं और मेरे सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे भाई। तो भाई निकाल दोगे मेरे सिनेमैटिक शॉट्स? भाई रिचार्ज हो रहे हैं, पानी पूरी पी के, ये देखो यहाँ पे ये रहे हमारे राज भाई, यहाँ पे पानी पूरी पी रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी यहाँ की लोकेशन। तो जैसा कि यहाँ पे अभी मैं कैमरा ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है और यहाँ पे हम सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे। तो आपने करना है सिनेमैटिक व्लॉगिंग के अंदर आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकालने हैं। तो चलिए मैं फटाफट अपना कैमरा सेटअप करता हूँ यहाँ पे। भूख लग जाती है कभी कभी, तो साथ में लेके चलना पड़ता है खाना पीना। सो जैसा कि हमारा कैमरा रेडी हो चुका है, अब जो राज भाई यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं वो मेरे सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो सिनेमैटिक शॉट्स हम निकाल के देखते हैं। तो ये देखो हमारे बैग भाई गिरने लगे ध्यान से, और यहाँ पे कप्पा जी काफ़ी अच्छी लोकेशन है, देखो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो यार ऐसे तो काफ़ी पुरानी गंदी लोकेशन है पर अच्छी है, हाँ फोटो की सबसे बहुत अच्छी। हाँ फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना, तभी अच्छा मतलब। तो यार लोकेशन को एक्सप्लोर करा करो, बाहर निकलो और लाइव देखो जाके क्या कुछ आपको मिलता है। अब जैसा कि राज भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी कमाल की लोकेशन है, और ये हमारे हाथ में दो बैग हैं बड़े बड़े, और थोड़ी भूख भी लग गई है क्यों भाई? हाँ भूख लगी है, थोड़ा सा काम कर लें फिर। सो जैसा कि यार यहाँ पे फोटोशूट जो पिक्चर्स वगैरह थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है भाई। हाँ यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और जैसा कि आपने नोटिस करना कि मैं किस तरीके से व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड होके, कोई भी टेंशन नहीं है कौन देखेगा क्या हो रहा है कुछ नहीं, जस्ट आपने अपने कंटेंट की तरफ ध्यान देना है, क्यों भाई? सही है ना? ठंड होने लग गई है, कुछ खाने का भूख लग गई है काफ़ी ज़्यादा, बाद में उड़ाते हैं कुछ अच्छा था। सो जैसा कि यहाँ पे काफ़ी कमाल के पाजी की ना फोटोज आई हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और एक फोटो पाजी ने मेरी खींची है बिल्कुल मतलब कि ना मैंने सैंपल दिखाना था, भी ऐसी फोटो क्लिक करनी है, मैंने क्लिक कर दी मतलब वैसे ही सैंपल दिखाने के लिए, और सैंपल इतना जबरदस्त निकल गया यार, क्या बात है। तो हमें आइडिया आ गया कि यहाँ पे हम फोटो शूट कर सकते हैं। तो भाई की वीडियो जरूर देखना, बहुत ही कमाल की वीडियो आने वाली है फोटो शूट के ऊपर। जिनको फोटोग्राफी सीखनी है, जिनको पोज नहीं आता वो पोज कैसे करें, उनके लिए स्पेशल ये वाली वीडियो आ रही है। ये ब्लॉग पहले आएगा, वीडियो बाद में आएगी, ठीक है ना। अब जैसा कि यहाँ पे ना पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोकेशन है, यहाँ पे पाजी कुछ मेरे सिनेमैटिक शॉट्स निकालेंगे, मींस कि ब्लॉग के अंदर मतलब कि भाई अपना कुछ लाइक की सिनेमैटिक शॉट्स हम लेके आ सकते हैं, थोड़ी अच्छी मतलब की इंटरेक्शन रख सकते हैं लेवल बढ़ाने के लिए। हाँ लेवल बढ़ाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, करो और बातें प्लस सिनेमैटिक वीडियोस तो लेवल अप हो जाता है। मैं आपको जस्ट सैंपल्स दे रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे व्लॉग शूट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखो कितना क्राउड है और काफ़ी बंदे हैं, और मुझे कोई परवाह नहीं कौन देखेगा, बिकॉज मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, क्यों भाई? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई घूमने आया, वो भी अपना अपना काम है, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए अपना काम ही करें रादर देन मस्त रहो कि लोग क्या कहेंगे, है ना, मस्त रहो, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना काम करो, दैट्स इट। We'll be right back.
सो यहाँ पे जो आपने मूव्स देखे ना जो भाई ने लिए सिनेमैटिक शॉट्स, उसका BTS निकालना भूल गए यहाँ पे। हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं और करी, रिकॉर्ड पड़ रहा है और भाई को लग रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, बाद में चेक करा यार वो रिकॉर्डिंग हो गई है ही नहीं। रिकॉर्डिंग मतलब हुई नहीं, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किधर गए? मैं कह रिटेक ले लो फिर मैं आ जाना दोबारा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे सिनेमैटिक वीडियो बनाई जाती है, कैसे सिनेमैटिक मूव्स लिए जाते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है चैनल के ऊपर, जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की वीडियोस हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा सारा काम मोस्टली हो चुका है, कागे भाई है हमारे भाई, मेरा पड़ा भाई काम पड़ा है मेरा। और ये तार भी आई जा रही है माइक के बीच में, तार भी आई जा रही है। अब ठीक है, थोड़ा सा काम और कराना है, और करना है, और यहाँ पे एक वीडियो हमने और शूट करनी है। ठीक है, अभी तक अंधेरा नहीं होता भाई, खींचेंगे काम थोड़ा सा, क्योंकि लोकेशन हमें काफी अच्छी मिल गई है। सही मिल गया। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ के आसपास है, चंडीगढ़ में इस टाइम हम चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ के आसपास सेक्टर कौन सा है, 32, सेक्टर 32 के आसपास आपको ये लोकेशन मिल जाएगी, जिसपे आप मतलब कि अगर आपको फोटो शूट करना है या वीडियोग्राफी करनी है ना, आ जाओ चलो। और भाई ने यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया है, और वहाँ पे आग है, और हमें ठंड काफी लग रही है भाजी, आग वगैरह थोड़ी सेक लें, थोड़ा स्लो मोशन बनाने लगे हैं भाजी यहाँ पे। नॉर्मल 60 FPS पे फुल स्लो मोशन आप क्रिएट करेंगे भाजी। फोन कौन सा है? रियलमी 8 प्रो फोन है रियलमी का। तो यार व्लॉगिंग कर रहा हूँ पहली बार, मुझे बताना कि आपको मेरा व्लॉगिंग स्टाइल कैसा लग रहा है, कि व्लॉगिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्यों मेरा फोन घूम गया? आईफोन की गल कर रहे हैं क्या? ओप्पो की? ओके ओके, अच्छा ओप्पो में गल करिए ना, ओप्पो तो मैं इतने लगाया है। आ गया आ गया, ओके ओके ओके। तो ये देखो मैं क्रिएटिविटी करने लगा, एक हाथ से व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ऐसे करनी ना भाई। अच्छा 60 FPS ऑप्शन दबिया आया, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, और वीडियो मोड मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, अब भाई का BTS लेते हैं फटाफट। हाँ हाँ भाई आ रहे हो, ओके रेडी। तो आग काफ़ी है, और सामने भैया हैं, हेलो भैया कैसे हो? तो भैया ने काफ़ी अच्छी आग लगा दी यहाँ पे, और ठंड काफ़ी है, और भाई बना रहे हैं स्लो मोशन यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आग है, ओके तो ये देख सकते हो। तो भैया आप यहीं रहते हो? ओके ओके, क्या नाम है आपका? राजू। राजू ओके, तो काफ़ी स्पीड से भैया यहाँ पे मुझे दिखे हैं। तो यार टेक्निक देख लो भाई की, भाई रील्स बहुत डालते हैं, मैं रील्स थोड़ा कम ही डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा मतलब कि भाई काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डालते हैं इंस्टाग्राम पे ना। तो भाई का इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो भी यहाँ पे काम था हमने कंप्लीट कर लिया है, और भी बहुत हो गया है, जिप जिप ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, जम गए हम पूरे के पूरे। पहले आग जल रही थी तो मतलब बॉडी अच्छी हो गई थी, यहाँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन के साथ गुलाब जामुन बन गए थे दोनों के दोनों, यहाँ गर्म गर्म। अब सामने रेडी लगी है गुलाब जामुन होंगे वहाँ पर सामने, अब देखते हैं कुछ खाते पीते हैं वहाँ पे जाके, और भाई कहाँ चले गए इधर। तो अब यहाँ पे ना, अब जैसे कि एंडिंग होती है ना, जब भी सिनेमैटिक आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो उसमें आप एक सिनेमैटिक सीन डाल दो। सो जो एंडिंग होगी उसको आप एंजॉय करो, और मुझे बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कैसे जो भी आज मैंने जो किया है, नया एक्सपेरिमेंट है, पहले ब्लॉग है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद पहला ब्लॉग आया भाई का, 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद पहला ब्लॉग है, और भाई का भी यहाँ पे काफी अच्छे फोटोज आई हैं, उनको भी आप चेकआउट करना उनके चैनल पे जाके, और भाई को बोलना कि पार्टी नहीं है 1 लाख सब्सक्राइबर्स, पार्टी नहीं अभी तक, पार्टी करेंगे, राज भाई भी होंगे पार्टी में, अच्छा एक ब्लॉग शूट करेंगे कुछ सेलिब्रेशन वाला ना, तो कुछ करेंगे। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा ब्लॉग लगा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.